शिरकत के लिए आए, माता कृष्णा पटेल जी को सुनने के लिए आए। एक बार फिर मैं अपना दल के परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे पिछले साथियों ने जो बातें बताई मैं नहीं दोहराना चाहता, बस आपके जहन में आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर हम हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, अपने नेताओं की हौसला अफजाई करते हैं, उनके विचारों पर तालियां बजाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त हमें ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमारे अंदर टुकड़ा हो जाता है। मैं अपना दल के तमाम सिपाहियों से, जो तमाम दूर दराज से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए, खुसूसन खास तौर से जो बीजापुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब के उपचुनाव में जो हम गलतियां करते आए हैं वो गलती नहीं करेंगे, और यहाँ से अहद करके जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हमें रात दिन कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो भी बीजापुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ेगा उसको हम लखनऊ विधानसभा में जरूर पहुंचाएंगे। ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मुझसे बहुत बड़े बड़े सीनियर वक्तागण पड़े हुए हैं, इस वजह से फिर कभी वक्त पड़ा या विधानसभा के चुनाव में मौका मिला तो आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। लेकिन एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आप इस प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं, उसी तरह आने वाला विधानसभा उपचुनाव आपको कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाना है। जय अपना दल, जय सोनेलाल पटेल।